वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे कैनरा बैंक की। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का अगर PSU की बात करें तो उसमें कैनरा बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं हर चीज़ कंपेयर करके दिखाऊंगा। आज जो इसका रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। मैं Q1Q और Y1Y इसका परफॉर्मेंस कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा ओवरऑल कि किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस है और किस तरह से इसका ग्रोथ है। मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दिखाऊँगा, वहाँ पर दिखाऊँगा क्या क्या कंपनी बता रही है और आगे इसका बिजनेस किस प्रकार का चल रहा है, NPA किस प्रकार के हैं इसके, और जो टारगेट सेट करना है वो मैं बताऊंगा किस प्रकार के टारगेट और किस किस बेसिस पे देखकर सेट करते हैं। स्पेशली टेक्निकल्स में देखेंगे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए और आगे किस किस बेसिस पे हम टारगेट डिसाइड करते हैं और स्टॉप लॉस हमें क्या यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करें। जो अपडेट निकल के आया है QOQ पे, देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट जो अभी पोस्ट किया आज के दिन में, वहाँ पर प्रॉफिट देखिए 1314 यानी 1314.41 करोड़ का पोस्ट किया है, जो इसी क्वार्टर में अगर पिछले साल की बात करें तो 466.41 करोड़ था। यानी वहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे लगभग 3 गुना ज़्यादा यानी 300% प्रॉफिट बढ़ा है। और ग्रॉस NPA की बात करेंगे तो Q-on-Q पे अगर कंपेयर करें तो 8.52% से गिरकर ग्रॉस NPA 8.44% पे आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है Q-on-Q बेसिस पे। और अगर NPA की बात करें, नेट NPA वो 3.21% गिर चुका है 3.46% से Q1Q पे। यानी नेट NPA, ग्रॉस NPA और प्रॉफिट तीनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो चलिए, जो अनाउंसमेंट आया उसका मैं PDF पे ले चलता हूँ सीधा। ये देख सकते हैं कि आज ही के दिन में इन्होंने पोस्ट किया कैनरा बैंक की तरफ से 26 अक्टूबर को। यहाँ पर क्या इन्होंने बताया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस जो था अपना हाईलाइट किया है, उसमें जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो कि सेकेंड क्वार्टर का है और हाफ ईयरली एंडेड जो कि सितंबर में हुआ इसी साल। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाईटेक बैंकिंग मल्टी डायमेंशनल एक्सीलेंस, और इन्होंने इसका अपना यहाँ देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस हाईलाइट है वो क्या क्या है। तो देख सकते हैं इनका ग्लोबल का जो बिजनेस है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोबल बिजनेस है वो 17,15,000 करोड़ पास कर चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 200% का उछाल है YOY बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 1,333 करोड़ है। अगर YOY बेसिस पे SB देखें तो वो भी 12% का उछाल है, वहाँ पे भी 2,90,469 करोड़ है। और कासा देखिए तो वहाँ पे भी 12% का उछाल है, 3,34,463 करोड़ है YOY बेसिस पे। BPS में भी देखें, CRAR को देखेंगे तो वहाँ पे 14.37% का उछाल है। और यहाँ पे देखिए CET1 में वहाँ पे भी 188 बेसिस पॉइंट का उछाल है, जो 10% है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 5,604 करोड़ है, जो कि 21.91% का उछाल वहाँ पे भी है। अगर नेट NPA में देखिए तो 21 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई, जहाँ पे 3.21% का डाउनफॉल है। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे 3.21 पे अभी है, यानी 21 बेसिस पॉइंट का गिरावट वहाँ भी दर्ज किया गया है। PCR देखिए 82.44% का, वहाँ पे 96 BPS का चेंज आया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और अगर नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे 37.54% का उछाल आया है, जो कि 4,268 करोड़ है। और यहाँ पे इनकम की बात करें तो 20% का उछाल इनकम पे भी है, जो फी बेस्ड इनकम बोलते हैं, वहाँ पे भी 1,463 करोड़ है। यानी हर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट 200% उछला है, और क्या चाहिए किसी भी बैंकिंग सेक्टर में कि इसका बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और अगर हम बिजनेस की बात करें, किस प्रकार का अलग अलग बिजनेस चल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसको भी बताया है कि ग्रॉस NPA जो डिक्लाइन हुआ है 8 बेसिस पॉइंट का ग्रॉस NPA में, रिटेल क्रेडिट में 10% का ग्रोथ आया है, हाउसिंग लोन में 14% का ग्रोथ आया है, डोमेस्टिक बिजनेस में देखें
तो रिकॉर्ड गया ग्रोथ 105,149, वहाँ पे उतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है डोमेस्टिक में। अगर करेंट डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी 11% का उछाल आया है, और अगर ट्रेजरी इनकम का बोले तो वहाँ पे 95% का उछाल है, 1,754, वहाँ पे भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और कैश रिकवरी में देखिए, जो बहुत किसी भी बैंक के लिए जो कैश रिकवरी होती है वो बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 90% का ग्रोथ आपको दिख रहा है कैश रिकवरी में, 3,717 करोड़। तो देख सकते हैं कि बैंकिंग का इसका फंडामेंटल कितना ज़बरदस्त है, किस तरह के इसके परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, एक परफॉर्मेंस जो दिख रहा है उस पर हमको आपको विश्वास करना पड़ेगा हमेशा। जो फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे हैं बैंकिंग में, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बूम देखने को मिला है, और आगे ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। और इंडेक्स के हिसाब से देखें तो बैंकिंग सेक्टर उतना मूव नहीं किया है जितना करना चाहिए था, तो वहाँ से भी आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि टॉप गेनर में ICICI बैंक और HDFC के ऊपर निकले कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक में पॉजिटिव टेरिटरी अभी बरकरार है और पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो यहाँ से आपको बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसका देखिए ग्लोबल बेसिस पे मैंने आपको बताया, जो बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मार्क था उसको सरपास किया हाल ही में, तो यहाँ से देख सकते हैं कि डोमेस्टिक डिपॉजिट और यहाँ बिजनेस जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल बेसिस पे, वहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि YOY बेसिस पे 7%, 8% और 5% का उछाल है, और वहीं पे अगर डोमेस्टिक में देखें तो 12% और 12%, और जो डिपॉजिट गए तो वहाँ भी 7% का उछाल है। तो रिटेल क्रेडिट मिक्स रहा है, रिटेल क्रेडिट में कासा ये सब का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर देखेंगे टारगेट किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पे जो टोटल प्रायोरिटी है 46% का अगेंस्ट 40% जो नॉर्मल था। तो इस हिसाब से अगर रिटेल क्रेडिट की बात करें तो देखिए हाउसिंग लोन में इन्होंने कंपेयर करके बताया कि रिटेल लोन में किस सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है, तो जो रिटेल लोन है वहाँ पे इन्होंने फोकस किया है, हाउसिंग लोन है वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है, व्हीकल लोन है वहाँ पे भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि हर बेसिस पे जो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होकर परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडस्ट्री का क्रेडिट है वो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर में का सबसे ज़्यादा है, उसका नॉन बैंकिंग NBFC में वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका परफॉर्मेंस हर बेसिस पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, रेटिंग प्रोफाइल, इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने कंपेयर करके दिखाया है कि देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम, इनके इंटरेस्ट इनकम अगर देख सकते हैं तो 21, और अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ परसेंटेज देखने को मिल सकता है। हर तरीके से टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो टोटल इनकम में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, पूरा टोटल इनकम में आप देख सकते हैं 20,794 था, सॉरी यहाँ 20,794 था, वहाँ से 21,331 है। और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस भी है जो आपको घटता हुआ दिखेगा, 16,197 करोड़ से घटकर 15,727 करोड़ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी आप देख लीजिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आपको 444 था वहाँ से बढ़कर 1,333। तो हर बेसिस पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। और जो इनके परफॉर्मेंस एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA सब मैं आपको दिखा दिया हूँ किस प्रकार के हैं। तो फाइनेंशियल्स मजबूत अगर किसी बैंक का है तो दोस्तों वहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, और जिस प्रकार से इसके नेट प्रॉफिट बढ़े हैं वहाँ भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। देखिए इंडिकेटर जो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता है उसको। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ RSI, तो वो ओवर अबाउट जोन में है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, MACD पॉजिटिव, स्टॉकिक स्क्वायर स्टोकैस्टिक जो परसेंटेज के की बात करता हूँ वो बुलिश है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स वो भी पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर इंडेक्स पॉजिटिव, स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव, एडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव, यानी जिस जिस बेसिस पर मैं इसको एनालाइज करता हूँ वहाँ पे पॉजिटिविटी बरकरार है। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स देखिए 20 DEMA, 50 DEMA, 100 DEMA और 200 DEMA सब प्राइस के ऊपर अभी भी है, 5 DEMA के नीचे है,
कोई बात नहीं है, इसके ऊपर अगर निकलता है तब हम दोबारा एंट्री करेंगे और वहाँ से फिर अपना जो टारगेट है वो सेट करेंगे। तो सुपर ट्रेंड 178.5 के ऊपर यानी 180 के आसपास का सपोर्ट लेवल आप मान सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से तो 180-20 डेमा यानी 185 के आसपास बहुत बहुत बढ़िया सपोर्ट है इसका। तो वहाँ से दोस्तों अगर इसका हम परफॉर्मेंस अगर देखें कुछ दिनों में, 1 ईयर का रिटर्न 117%, 6 मंथ का 43, 3 मंथ का 32, 1 मंथ का 23 और 1 वीक का भी देखें तो 2% रिटर्न है। आज ही में ये शेयर करेक्ट हुआ है आज ही के दिन। तो यहाँ से दोस्तों अगर बात करेंगे किस लेवल पे आपको ख़रीदारी करनी है, तो मैं आपको लेवल बता दिया कि अगर लेवल की बात करें तो आपको ख़रीदारी 185 के आसपास करनी है। अगर उसके आसपास मिल जाता है तो आपको एंट्री करनी है, और वहाँ से जो टारगेट सेट करना रहेगा वो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी इसमें टारगेट सेट करके बताऊँगा। उससे पहले फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग देख लेते ताकि एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा आपको। यहाँ देखिए एसेट एंड लाइबिलिटीज़, एसेट 2017 में कितने करोड़ का था इसका, तो 5,96,158 करोड़ का था, जो 2021 में यानी बोले तो चार से पाँच सालों में जो एसेट क्वालिटी है देखिए डबल हो गई है, 11,89,539 करोड़। यहाँ से डबल होने का मतलब दोस्तों किस तरह का देख सकते हैं, परफॉर्मेंस, डिपॉजिट ग्रो, ग्रॉस एनपीए सारा इन्होंने रिकवर करके, और कोरोना के बावजूद इन्होंने देखिए एक साल के बाद इसका डिपॉजिट और इसका जो प्रॉफिट है एसेट लाइबिलिटीज का कितना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे शेयर होल्डिंग देख सकते हैं कि पब्लिक का 37% है, प्रोमोटर ने 62.93% है, FII 5.57, DII 14.67, नॉन इंस्टीट्यूशन 16.83% का यहाँ स्टेकलर रखा है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, जिससे कि हमें ओवरऑल आइडिया मिलता है कि FII और DII का इंटरेस्ट कितना है, ताकि इस शेयर्स में जो बड़े वॉल्यूम अगर किसी दिन आते या किसी दिन हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी होता है तो हमें वो सब प्राइस को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार डिलीवरी में कि डिलीवरी किस प्रकार के किस दिन अगर अच्छी उठाई गई है हाई वॉल्यूम के साथ। तो देखिए एक दिन उठाई गई है हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी 39.4% 12 अक्टूबर के दिन में, और वो वॉल्यूम भी ज़्यादा था तो उसका प्राइस हम कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते 187.05। तो यानी हम अगर उसका VWAP देखें इस दिन का VWAP 183.5, वही मैं बता रहा हूँ 184 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल हमें बाइक करके चलना है। और यहाँ से जो टारगेट सेट करना है तो दोस्तों अगर 184 या 190 के आसपास आप टारगेट सेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते पहला जो टारगेट आएगा इसका निकल के ₹200 का टारगेट निकल के आएगा। उसके बाद जो दूसरा टारगेट आएगा वो आएगा 205 का। तो दोस्तों ये हो गया शॉर्ट टर्म का लक्ष्य। अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शेयर है, और यहाँ से आपको जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो आपको 228 का और 236 का टारगेट सेट करना है। दो टारगेट आपको मीडियम टर्म में जरूर दिखेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर बहुत बढ़िया आपको 250 प्लस जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं और बिजनेस देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ अपडेट टारगेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।